भारत में वैसे तो कई बड़े राजघराने हैं, लेकिन जयपुर राजघराना एक ऐसा राजघराना है जो खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। इसका दावा खुद राजमाता पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पति भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। दरअसल भारत की आजादी के बाद राजा महाराजों की हुकूमत खत्म होने से पहले सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर राजघराने के आखिरी महाराजा थे। उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली शादी मरुधर कंवर से, दूसरी शादी मरुधर कंवर की भतीजी किशोर कंवर से और तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पहली पत्नी मरुधर बेटे भवानी सिंह को राजगद्दी सौंपी गई। भवानी सिंह की शादी रानी पद्मिनी देवी से हुई, जिनसे दोनों को सिर्फ एक बेटी है, जिनका नाम दिया सिंह है। दिया की शादी नरेंद्र सिंह से हुई। नरेंद्र सिंह राजघराने से नहीं है, वो जयपुर राजघराने के ही कर्मी है। इस वजह से खानदान के लोगों ने एक आम शख्स से शादी का विरोध किया था। यही नहीं, कोई बेटा ना होने की वजह से महाराजा भवानी सिंह ने दिया सिंह के बेटे पद्मनाभ सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इस बात को लेकर भी विरोध हुआ। सवाई मान सिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी गायत्री देवी के निधन के बाद संपत्ति को लेकर विवाद में भी ये राजघराना घिर चुका है। 2 साल पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटल राजमहल पैलेस के गेट सील कर दिए थे, जिसके विरोध में खुद राजमाता गायत्री देवी अपने नाती राजा पद्मनाभ सिंह के साथ सड़कों पर उतर आई थी। दिया सिंह सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक हैं। उनके बेटे और जयपुर के राजा सवाई पद्मनाभ सिंह पोलो खिलाड़ी भी हैं। शाही परिवारों की पार्टीज में वो अक्सर देखे जाते हैं। दिया सिंह की एक बेटी गौरवी और छोटा बेटा लक्ष्य राज सिंह है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।